जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल। दोस्तों, आप सभी का आपके अपने चैनल ओम चो में एक बार फिर से बहुत स्वागत है, आभार है, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमें इतना प्यार देने के लिए, इतना दुलार प्रदान करने के लिए। यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल से आप नहीं जुड़े हैं, आप सभी से मैं निवेदन करना चाहता हूँ कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल से जुड़ जाइएगा। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जीत आपकी ही होगी। कई सारे जातक बहुत ज़्यादा बातें पूछते रहते हैं, बहुत सारी बातें जानना चाहते हैं, पंडित जी हम क्या करें, किस तरह से होगा जीवन में, किस तरह से बदलाव होगा। तो आज उन सभी जातकों के लिए ये वीडियो है मेरी। इस वीडियो को देखने के बाद शायद आपके कई सारे प्रश्नों के उत्तर आपको मिल जाएगा। दोस्तों, ज़िंदगी में जीत का अर्थ ये नहीं कि किसी विषय पर जीतने की बात करूँ, जीवन को अच्छे से जीना, जीवन को एक सही लक्ष्य की ओर जीना, ये भी एक अपने आप में जीत है। तो आप सबसे पहली चीज़, कुछ नया करें। जितना नया करेंगे उतना आपके लिए, आपकी रचनात्मकता के लिए, आपके अंदर जो क्रिएटिविटी है उसे आप ज़िंदा रख पाएंगे। क्योंकि जब तक आपके अंदर का जो क्रिएटर है, जो आपके अंदर एक रचनाकार है जो बैठा हुआ है, वो जीवित रहेगा, तब तक आपकी सभी अच्छाई जीवित रहेगी, तब तक आप जीवित रहेंगे। दूसरी बात रही सकारात्मकता। सकारात्मकता वो औषधि है दोस्तों, कि कोई भी बड़ी से बड़ी परेशानी का हल है सकारात्मकता। जब हम पॉजिटिव ही नहीं रहेंगे, जब हमारे मन में सकारात्मक ख्याल नहीं आएंगे, तब तक मुझे नहीं लगता कि हम कुछ बड़ा कर पाएंगे। तो आपको दूसरी बात है, आपको पॉजिटिव रहना है। पॉजिटिव रहने के साथ साथ ही नेगेटिव लोगों से, नेगेटिव बातों से, नेगेटिव जितनी भी तर्क कुतर्क जो भी हों उनसे हमें दूर रहना है। और तीसरी बात है दोस्तों, जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, वो है खुद पर यकीन। हमारा खुद पर यकीन, आज के दौर में हम दूसरों से हमारी तुलना बहुत करते हैं, ये ऐसा वो ऐसा जो भी है उसे हमें नहीं लेना, लेकिन मन में आ जाता है, क्योंकि आज एक आधुनिकता की दौड़ है, हर कोई दौड़ रहा है, और इस दौड़ में जो मिलते हैं तो हम तुलना करते हैं, ये ऐसा, इनके पास ये है, कहीं ना कहीं एक आंशिक रूप से तुलना हमारे मन में बैठी हुई है दोस्तों। तो प्लीज़, पहली बात है, कभी किसी से तुलना मत करना, क्योंकि जो आप हैं वो पूरे विश्व में, पूरे वर्ल्ड में एक ही हैं, आप जैसे इस दुनिया में कोई नहीं है। चौथी बात है कि दोस्तों, हमारी ईमानदारी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है हमारे लिए और खुद की नज़रों के लिए। हम दुनिया को चाहे लाख कुछ भी कहें या किसी व्यक्ति विशेष को कुछ भी कहें, लेकिन क्या हम हमारे मन में, हम खुद का चेहरा आईने में देख सकते हैं? हमें ये कुबत है क्या? दुनिया की नज़र में गिरा हुआ व्यक्ति फिर भी महान है, फिर भी महान है वो लोग, लेकिन जो अपनी नज़र में गिर गया वो महान नहीं है। चाहे वो कितना भी महान हो, लेकिन वो महान नहीं है। तो कोशिश ये करें कि हम वो कोई काम ना करें जो हमें पसंद नहीं हो, जो अगर कोई वो व्यवहार हम किसी से ना करें जो हमें पसंद नहीं हो। ये चीज़ बहुत ज़्यादा फोकस आपको खुद पर करनी होगी, तब जाके आप बढ़ पाएंगे। आपका मन शुद्ध है, पवित्र है, निश्चल है, तो ईश्वर की कृपा तो आप पे ऑटोमेटिकली है ही सही, लेकिन फिर भी मैं आपसे हमेशा निवेदन करता हूँ कि आप, ईश्वर वो है और ईश्वर की कृपा का कोई सीमा नहीं है। वो सत्य है, अखंड है, वो अचल है, अस्मरणीय है, उनके बारे में जो शब्द कहा जाए कम है, और वो सत्य और सिर्फ सच है। तो अपने मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा आस्था हमेशा जो है वो बरकरार रखें। और दोस्तों, श्रद्धा और आस्था को कभी भी आप इस लिहाज में ना ले कि आपको कुछ चीज़ें चाहिए। श्रद्धा त्याग का विषय है, न कि किसी चीज़ की इच्छाओं का विषय है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा, वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और आपके मन में जो भी राय हो वो कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं आपको वीडियो कैसा लगा। तो जय श्री महाकाल, जय श्री महाकाल।